यूपी के लखनऊ से एक मुस्लिम महिला के कत्ल का सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है और जिसे लेकर ये भी बताया जा रहा है कि जिस महिला का कत्ल हुआ है वह महिला मुस्लिम थी जिसने एक हिंदू लड़के से शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन किया था। वहीं थाना प्रभारी सुशांत गोल्फ सिटी शैलेंद्र गिरी ने मामले को लेकर जानकारी देते हुए बताया है कि आरोपी पुष्पेंद्र तिवारी उर्फ शुभम 2019 में मड़ियाव के एक जिम में ट्रेनर था, जहां मड़ियाव की इशरत परवीन भी आती थी। उन्होंने बताया कि परीक्षण के दौरान दोनों में मोहब्बत हो गई और कुछ दिन साथ रहने के बाद पुष्पेंद्र मॉडल बनने मुंबई चला गया। अपनी मोहब्बत के पीछे इशरत भी पहुंच गई। यहां उसने धर्म और नाम बदलकर सोनी तिवारी बनी और आर्य समाज मंदिर में शादी की। जब 6 महीने बाद कोरोना संकट आया तो दोनों वापस लखनऊ आ गए। जिम बंद होने की वजह से पुष्पेंद्र बेरोजगार हो गया। इसी दौरान उसने मड़ियाव में किराए का मकान छोड़कर गुड़म्बा के आदिल नगर में किराए पर रहने लगा। यहां पर उसके साथ इशरत उर्फ सोनी तिवारी भी रहती थी। काफी दिन रोजगार की तलाश में भटकने के बाद पुष्पेंद्र ने करीबियों के सहयोग से मस्कनवा गांव के बाजार में जिम खोल लिया। बीच बीच में वह लखनऊ आता था, लेकिन इसी बात को लेकर सोनी से तकरार होने लगी। असल में जिम में काम करने वाले पुष्पेंद्र ने सोचा उसकी पत्नी का संबंध किसी और से चल रहा है। उसने इस शक में इशरत की हत्या की साजिश रची। उसने अपने प्लान में अपने भाई और दोस्त को एक फिल्म दिखाकर तैयार किया, क्योंकि उसमें बचने के सारे तरीके दिखाए गए थे। वहीं पुलिस ने हत्या की पुष्टि पुष्पेंद्र और गोविंद के व्हाट्सएप चैटिंग से की है। पुलिस के मुताबिक हत्या में शामिल तीनों आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की गई तो सूरज वर्मा ने कबूल किया कि दोस्ती के चलते उसने पुष्पेंद्र का अपनी पत्नी की हत्या करने की साजिश में उसका साथ दिया था। असल में साजिश के तहत पुष्पेंद्र ने दरवाजा खोलकर दोनों को कमरे में दाखिल कराया था, जिसके बाद गोविंद ने सो रही सोनी का पैर और सूरज ने उसके हाथ पकड़ लिए और पुष्पेंद्र ने तौलिए से उसका मुंह दबाकर मार डाला, जिसके बाद बहराइच के पास घाघरा नदी में उन्होंने सोनी का शव फेंक दिया। लेकिन इस सब में सबसे हैरानी की बात ये रही है कि लड़की मुस्लिम है तो मीडिया में इसकी कोई भी चर्चा नहीं हो रही है और ना ही लड़की के लिए भी संगठन उतर कर सामने आया है और ना ही इसे दलाल मीडिया लफ्ज़-ए-हाद का मामला बता रही है, क्योंकि अगर यहाँ मरने वाली लड़की हिंदू होती तो अब तक पूरे देश में इसे लेकर एक अलग ही बहस छिड़ चुकी होती और दलाल मीडिया इसे नेशनल मुद्दा बना चुका होता। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस खबर के सामने आने के बाद लोग जमकर गोदी मीडिया को गाली दे रहे हैं। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा कि धर्म परिवर्तन करना ही क्यों चाहिए, जो सच्चा प्यार करते हैं वो कभी किसी को मजबूर नहीं करते और जो मजबूर करे उसे प्यार नहीं कहते। वहीं एक दूसरे यूजर का कहना है कि गोदी मीडिया तब न्याय के लिए आवाज उठाती है जब आरोपी मुस्लिम हो, लेकिन यहाँ तो इशरत से सोनी भी बनी लड़की, लेकिन न्याय के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाया। ये है समाज की सच्चाई। इस खबर में सिर्फ इतना ही। वहीं इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और भी खबरें पाने के लिए MIM News Express को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।